तो तो एकदम जोरदार। जोरदार जोरदार। शालिनी। ना थी? <laughs> so, सबसे पहले तेरा आ गया। <laughs> कैसा लग रहा अभी आई के नॉट बिलीव इट थैंक यू थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग फर्स्ट टाइम है ताली, ताली, ताली बजाओ यार। तालियां होनी चाहिए जोरदार मैं इसके बाद जाके थोड़ा बैक स्टेज पे रोंगी हाँ। <laughs> तो अब पक्का अच्छे से रोना अच्छे से <laughs> फिल्म में भी जब ट्रेलर देख रहे थे उसमें भी आप दो तीन जगह ऐसे रोए कि अपन को रोना आ ही गया बट एक चीज जानना चाहते हैं। जैसे ही अभी रणबीर ने कहा कि शालिनी टाइम आ गया इस पूरी फिल्म को शूट करते हुए और आज ट्रेलर लॉन्च तक इन पावर पैक लोगों के साथ आपका टाइम बीता कैसे क्या बताऊँ मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही है इस फिल्म की कि पहले थैंक यू टू शानू शानू ने मुझे कैफ़े में देखा था और वहाँ पे आ, उसने मुझे मैसेज किया था और कॉल किया था और तभी मुझे लगा कि ठीक है यशराज की फिल्म है ऑडिशन करना है थोड़ी तो ना होगा मेरा कुछ एक मिनट शानू ने रेस्टोरेंट में इनको देखा था आप रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी वो बताना जरूरी क्या है क्या बताया उसने आप वेटर की क्लास ले रही थी आप नहीं नहीं में, मेरा नाम तो मत यार। ये कौन पटाकी है नहीं, नहीं, थोड़ी <laughs> ना पिक्चर मिलनी है मैंने दे दिया और मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे खराब ऑडिशन हुआ है और मुझे दो दिन बाद कॉल आया <laughs> दो दिन बाद कॉल आया की एवरीबडी यू एंड वॉन्ट टू मीट यू

और मैंने उनसे पूछा आपने मेरा ऑडिशन देखा तो अभी तक वो मुझे बताते कि उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं देखा है इनका आज तक ऑडिशन आई डोंट नो उन्होंने क्या <laughs> देखा मुझ में एंड ही रियली लाइक मी सो थैंक यू सो मच विदाउट सीइंग माय ऑडिशन ही ही वाज वॉचिंग फॉर मी सो थैंक यू सर आई एम फॉर ग्रेटफुल एंड मैं दिल से बोल रही हूँ ये मैंने कभी भी इनको नहीं बोला है खुद से क्योंकि अब हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुझे अजीब लगता है ये सब बोलना और फिर तब इन्होंने मुझे बताया कि ये रणवीर सिंह की फिल्म है तब तो मुझे पता चला कि इसकी मैं तारीफ नहीं करती मैं मैंने इसका सता सता के हाल ना। किया ना मैं बहुत परेशान करता हूं। न्यू कमर है ना यार थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में रैगिंग तो होनी चाहिए ना इसने बहुत प्यार दिया है मुझे तब तो मुझे पता चला कि रणवीर की फिल्म है और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि इस फिल्म के लिए ये ऑडिशन दिया जो मुझे सबसे गंदा ऑडिशन लगा अपनी लाइफ का और वो रणवीर सिंह की फिल्म है देन uh, मुझे टाइम लगा थोड़ा सिंग करने में उसके बाद मैं दिव्यांग से मिली और दिव्यांग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे अगेन मैं स्क्रिप्ट पढ़ के दिव्यांग से मिली थी और स्क्रिप्ट ऐसी है कि आपको अगेन जैसे उसने कहा हंसाती है रुलाती है सब कुछ फील कराती है आप हंसते हो आप ट्यर्स के साथ स्माइल करते हो आप खुश होते हो आप रोते हो आप सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे होते हो और ये आदमी इतना एम्पथेटिक आदमी है खुद ही

आप, आ, आप अपनी जर्नी के बारे में आज बात करेंगी कि इस के दौरे में बात तो करेंगे जर्नी बड़ी सरियल रही है मैं इन लोगों के साथ काम आप आप, आप वो कमाल वाली स्टोरी बताएंगी आज मुझे मैंने कंफर्म हाँ, नहीं किया आपके पीआर से बताना है ना हाँ क्योंकि कुछ ये बंबई कैसे पहुंची और फिल्मों में कैसी पहुंची आप ये कहानी जरूर सुनो हा हा हाँ हा ये सवाल मेरे भी दिमाग में था ये तो जयेश भाई जोरदार से भी कमाल कहानी है आप सुनो अगर तो इतना भाग रहे। ट्रेलर में हमने देखा आप भाग रहे हैं आपको लेके भाग रहे फिर हमें ये भी पता चला कि आपने एक्टिंग एज अ करियर चुनने के लिए आप घर से भागी भागने के इतना शौक है देश के लिए भाग के मेडल जीता हो ना दोस्त भागे क्यों थे घर से ये थोड़ा एक और रिपीट और अंडरलाइन करने पड़ेगा ये एक्टिंग के लिए घर से भाग के आई हैं और आज आपके सामने खड़ी हैं बताइए शालिनी जी क्या रही है आपकी जर्नी तो आ, मैं मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं मैंने इंजीनियरिंग की भी और उसके बाद मुझसे हो नहीं रहा था आ, और मेरे पापा मान ही नहीं रहे थे आ, मुझे एक्टिंग में जाने देने के लिए तो और मुझे एक्चुअली मैं ना बड़ी मतलब मतलब मुझे बड़ा ये रहता है चुल रहती है चीज़ें करने की और मुझे लग रहा था कुछ तो एक्साइटमेंट करना एक्साइटिंग करना है मुझे कुछ तो करना ही है तो मैंने सोचा अभी पापा मान ही नहीं रहे और बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे मैं चार साल से मना रही हूँ उनको और ये होता है ना कि टेंथ कर लो मैथ साइंस ले लो सब करने मिलेगा इंजीनियरिंग कर लो सब करने मिलेगा इतने दिन इतने सालों से सुन रही कुछ करने ही नहीं मिल रहा तो फिर मैंने प्लान किया कि अभी मैं भागी ही जाती हूँ और अभी ये बड़ा मजाक में समझ रहा है उस टाइम बड़ा मुश्किल था मेरे लिए और फिर मैं भाग्य और एंड थैंकफुली माय पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी नाउ बिकॉज़ ऑफ यशराज बिकॉज़ नाउ दे फील दैट आई एम डूइंग अ क्रेडिबल वर्क सो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ यशराज थैंक यू टू यशराज क्योंकि यशराज की फिल्में हम फिल्में हम देख के बड़े हुए मेरे पेरेंट्स यश जी की फिल्में देखते हुए आए हैं तो अभी उनको लगता है कि मैं कुछ तो कर रही हूं लाइफ में अच्छा तू इंजीनियरिंग कर रही थी क्या कर पाई क्या आईटी अच्छा आईटी ऑनर्स थोपड़ा देख के नहीं पता चलता है देखिए इतनी सारी चीजें शालिनी के बारे में यहां तो पता चल गए ये इनका एक बड़ा बॉलीवुड डेब्यू है रणवीर आपकी एनर्जी मैच करना चाहे फिर फिल्म के शूट के दौरान हो फिल्म के प्रमोशन के दौरान हो ये एक डिफरेंट टास्क होता है एक टिपिकल टास्क हो जाता है हर किसी के लिए नॉट इवन विथ योर को एक्टर्स बट इट ऑल्सो गोज लाइक हाई एनर्जी विथ योर डायरेक्टर्स राइटर्स हो समाइम फॉर ट्रेलर लॉन्च सो हाउ वॉज आपका क्या ऑब्जर्वेशन था फॉर शालिनी पांडे ड्यूरिंग दिस होल शूट आपको क्या लगा ये कितना ज्यादा तैयार हैं आपके साथ एनर्जी मैच करने के लिए और जयेश भाई जोरदार देखो हमारी फिल्म बहुत सच्ची है आज एक सच्ची फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है तो मुझे सच बोलना पड़ेगा इसके लिए हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे मैं शालिनी का सच नहीं बोल। बताना चाह रहा सबके सामने <laughs>

ये चिल दिल आराम दायक नरम दिल आदमी है हमेशा चिल जोन में रहते हैं ये पागल है ये डबल पागल है हमारी जिया डबल ट्रिपल पागल है तो ये नए एनर्जीज के साथ काम करना आप भी एंथूज हो जाते हो आप भी एनर्जाइज हो जाते हो एंड देन वी हैव आवर एंकर्स बमन जी रत्ना जी हु आंट हियर टुडे बट सम ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हु एवर ग्रेस्ड हिंदी सिनेमा

मैं तो आप आपने की? एक लाइन अच्छी नहीं बोली है मेरे बारे में कुछ तो बोलिए आज बहुत हॉट लग रही हैं आप रियली really, मतलब ट्रेलर में देखो एकदम कैरेक्टर में घुसी हुई हैं आज तो मतलब अलग अवतार में ही आइए आज का आपके हॉट अवतार के परे आपका कैरेक्टर और वो वाला अवतार देखते हैं एक लास्ट बार जोरदार ट्रेलर प्ले करते हैं है कि नहीं एक बार और लेट अस डू